नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं इस वहशी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, लेकिन इस अय्याश के साथ पुलिस की मिली भगत की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस वालों में इसका रसूख ऐसा है कि पुलिस कस्टडी में भी प्यारे मियां किसी भी पुलिस वाले का कैप उतरवा के पहन लेता है, मजाल के पुलिस वाले उसका विरोध कर पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवराज सिंह के ये सिंघम क्या इस अय्याश अपराधी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा पाएंगे। खबर है कुछ सबसे बड़े अखबार वालों से भी प्यारे मियां की नजदीकियां और उनके रिश्ते बने हुए हैं। पुलिस और प्यारे मियां की नजदीकियों पर हम बात करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग जी से। बड़ा सवाल है कि क्या कोई अपराधी पुलिस की टोपी पहन सकता है? देखिए, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ये अपने आप में पूरी कहानी बयान करती हैं। भोपाल पुलिस में जो भी लोग हैं उनके ऊपर प्यारे मियां का इतना दबाव है कि वो जब कल गाड़ी में जा रहा था पुलिस के साथ तो उसने एक पुलिस वाले की टोपी ली और पहन ली। मैंने ये जाहिर करता है कि उसके पुलिस से किस तरह के दोस्ताना ताल्लुक है, या उसने पुलिस को सबको बांध रखा था कि किसी को कुछ लेता देता हो जो भी हो, जांच के विषय सारे के सारे। नहीं तो किसी अपराधी की इतनी औकात नहीं होती, उसका इतना बड़ा कद नहीं होता कि वो किसी पुलिस वाले की टोपी लेके खुद पहन ले। मतलब इससे एक चीज़ तो ये भी जाहिर होती है कि जितना भी सफ़र इन लोगों ने उस गाड़ी में तय किया होगा बड़े खुशनुमा माहौल रहा होगा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। प्यारे मियां तो इसकी टोपी उसके सिर का करने वाला रहा है, नजर आ रहा है। वो नाबालिग बच्चियों का शोषण करता है, बड़ा अय्याश आदमी है, अभी तक की जो कहानी निकल के आई है उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन ऐसे में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हमारे, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो कहते हैं हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन चाहते हैं कि ये मिसाल बन जाए। लेकिन भोपाल पुलिस के जो कारिंदे हैं उनकी हरकतें देख के बिल्कुल नहीं लगता। आप देखें, एक अखबार ने लिखा, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था शेफाली, एक अखबार लिखता है कि वो चेहरा ढक रहा था। अब ये बताए वो अखबार, दैनिक भास्कर ने छापा है, या वो पत्रकार, या तमाम सारे लोग, कि टोपी से चेहरा कैसे छुपता है, मुझे ये समझ में नहीं आया, लॉजिक ही समझ में नहीं आया। नहीं, दूसरी चीज ये भी है कि पुलिस की वर्दी की गरिमा है, टोपी की गरिमा है, पुलिस वालों ने चेहरा छुपाने के लिए अपनी टोपी दी भी क्यों? उस गाड़ी में जो भी लोग लेके आ रहे थे प्यारे मियां को, ये सारे के सारे उसके दोषी हैं, अपराधी हैं। और क्या इनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि एक अपराधी को बता दे कि तेरी औकात कितनी है, तेरे को किस तरह रहना है हमारे साथ में, तू हमारी टोपी को हाथ लगा रहा है? वो टोपी जिस पे तीन मुंह का जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है शेर, तीन मुखी सिंह उस पर बना हुआ है, उसको कोई अपराधी लगा ले, ये मजाक नहीं है शेफाली जी। और मुझे तो सबसे ज्यादा कोफ्त हो रही है कि कल से अभी तक दूसरा दिन इन खबरों को हम लगातार चला रहे हैं, सारे चैनल चला रहे हैं, उसके बाद भोपाल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे लगता है कि पूरे के पूरे जो भी पुलिस अफसरान हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्यारे मियां के प्रभाव में अभी तक। बिल्कुल, पुलिस का काम होता है ऐसे अय्याशों का चेहरा जो है समाज के सामने लाया जाए, और टोपी से मुंह छिपा रहा था एक अखबार का ऐसा कहना बहुत ही अजीब सा एक संदेश दे रहा है, पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा। सर, कथित सफ़ेद पोश प्यारे मियां से पुलिस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन अब तक ये पूछताछ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आ रही। उल्टा प्यारे मियां पुलिस से कहता है कि मैंने शहर पर राज किया है। अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। जिस रात प्यारे मियां के पापों का खुलासा हुआ तब उसके साथ और कौन कौन रसूखदार लोग थे, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण में क्या और भी लोग शामिल थे, इस पर प्यारे मियां जुबान नहीं खोल रहा। अनुराग जी, क्या लगता है प्यारे क्या आसानी से सब कुछ उगल देगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत शातिर है, खिला खाया आदमी है, इसने मीडिया में अपने तमाम लोग बैठा रखे हैं, इसने मीडिया के जो सबसे बड़े हाउसेज हैं उनके साथ याराना ताल्लुक बना रखे हैं। तो अगर सोशल मीडिया और कुछ टेलीविजन चैनल आक्रामक रुख नहीं अपनाते प्यारे मियां को लेके, तो आप यकीन मानिए प्यारे मियां को लेके ना इतना बवाल बचता, ना प्यारे मियां की गिरफ्तारी होती, ना मामला दर्ज होता। शुरुआती तौर पे मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मेरी जानकारियाँ हैं शेफाली जी, इस पूरे मामले को दबाने की भरसक कोशिश की गई थी, लेकिन तभी किसी ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन तक ये खबर पहुंची, उसके बाद मामला दर्ज हुआ है, नहीं तो मामला भी दर्ज नहीं होता। प्यारे मियां को बचाने के लिए इतनी बड़ी ताकतें लग गई थी, और अनुसंधान जो हम लोगों का है, पत्रकारिता करते हैं तो खोजबीन करते हैं, इसके साथ कई बड़े लोग शामिल हैं इसके अय्याशी के रैकेट में, ये अकेला आदमी नहीं है, कई सफ़ेद पोश शामिल हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि अभी तक जो जांच हुई है इसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, और उनको बचाने की कोशिशें, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें भी उनकी चर्चा नहीं है, शहर भर में चर्चा है।
जी सबको पता है, लेकिन जहाँ चर्चा होनी चाहिए, जिनको पूछताछ करनी चाहिए, वहाँ इस बात की कोई चर्चा नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही संवेदनशील हैं महिलाओं से जुड़े मामलों में, वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते, और इसी वजह से आज ये मामला सबके सामने उजागर हो पाया है। अचानक पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेताओं और अफसरों के साथ प्यारे मियां के फोटो वायरल हो रहे हैं। अनुराग जी, इसके पीछे क्या कोई खास मकसद हो सकता है? देखिए, ये एक टैक्टिक्स होती है अपराधियों की, जो प्यारे मियां की गैंग है, इसमें कौन कितना बड़ा आरोपी है ये सब साबित होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन इन्होंने जिस तरह के जघन्य काम को अंजाम दिया, जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, ये बहुत बड़े शातिर अपराधी हैं। आप देखिए जो खुलासे हुए हैं, ये इनकम टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स अधिकारी इनके यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कुत्ता छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर। कुल 6 लाख कुछ की इनकम उसने बताई है सालाना। हाँ। और विदेशों में वो तो पहले मैं बताऊं कि जो फोटो वाली टैक्टिस है, प्यारे मियां के जो गुर्गे हैं वो धीरे से, उन्होंने सबसे पहले एक फोटो वीडियो वायरल किया दिग्विजय सिंह का, प्यारे मियां के लोगों ने किया। वो इसलिए किया कि अपोजिशन दिग्विजय सिंह का नाम आएगा तो कहेंगे नहीं प्यारे मियां अच्छा है, वो सारे खड़े हो जाएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह कैसे भी नेता हो, कम से कम जो व्यक्ति बच्चियों के साथ इतनी संवेदनाएं तो हरकतें करता है उसके साथ तो दिग्विजय सिंह खड़े नहीं होंगे। नहीं हो। उनके घर में भी उनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो समझते हैं, समझदार नेता है, तो प्यारे मियां का वो साथ नहीं देंगे। लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। उसके बाद आप देखिए कि जब उससे काम नहीं चला तो नेक्स्ट डे शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ फोटो आने शुरू हुए, राज्यपाल हमारी जो अभी कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ फोटो आने आया, पूर्व सांसद आलोक संजर के साथ आया, पुलिस के एक अधिकारी हैं राजेश भदौरिया उनके साथ आया, एक आईएएस हैं अजात शत्रु उनके साथ आया, अभी कमलनाथ सरकार में सचिन यादव कृषि मंत्री थे उनके साथ फोटो आया, ब्रजेंद्र सिंह राठौर बहुत शांत सच्चे अच्छे आदमी हैं उनके साथ एक फोटो आया। तो ये क्या है कि कथित तौर पर समाज सेवी हैं, भोपाल मेला समिति से इनको दैनिक भास्कर के मनमोहन अग्रवाल ने जोड़ रखा था, उन्हीं ने उनका इस्तीफा लिया जब ये पूरा किस्सा हो गया, मामला दर्ज हो गया, तो वहाँ भोपाल मेला उत्सव समिति और तमाम समाज सेवाओं के काम ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, जो पाप करते हैं वो ऐसे काम ज़्यादा करते हैं, और हर जगह फ़ोटो खिंचवाते थे और उन फोटो के जरिए पूरे सिस्टम पे, पूरे मध्य प्रदेश के सिस्टम पे, उसमें पुलिस, उसमें प्रशासन, उसमें मीडिया, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग खास तौर पर जानबूझकर बड़े लोगों के साथ फोटो इसलिए भी खिंचवाते हैं कि आज नहीं तो कल इनके पाप खुलेंगे जरूर और ये फोटो काम आएंगे। एक चीज और थी, जब ये किसी पे दबाव डाल के सस्ते में जमीनें खरीदते हैं, उनके मकानों पे कब्जा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे अपने आप बुलाते हैं और जहाँ बुलाते हैं वहाँ इस तरह के फोटो खास करके लगाए जाते हैं जिसकी सरकार होती बताया जाता है। अगर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो 5 पीछे फोटो शिवराज सिंह के लगे होंगे, अगर आप शेफाली कोई बड़े पद पे तो 5 फोटो आपके लगे होंगे इनके साथ, ये मेरे साथ, आपके साथ, कहीं किसी के भी साथ इनके फोटो मिल सकते हैं, समारोह में आते जाते हैं। आप देखिए कि जो कार्यक्रम भोपाल में होते हैं उसकी सबसे अग्रिम पंक्ति में प्यारे मियां जैसे व्यक्ति को कई लोगों ने बैठाया है, तो ये बताता है कि हम कहाँ, हमारा समाज जा रहा है, हम ये तय नहीं कर पाते कि अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है। अब खुलासा हुआ है, लोग शायद जागरूक हों और प्यारे मियां जैसे लोगों का सोशल बायकॉट करें। बड़े लोग तो फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि किसके मन में क्या है और कौन कितना बड़ा अपराधी है, लेकिन ये अपराधी तो सोच कर जाते हैं कि ये फोटो मुझे आज नहीं तो कल भविष्य में बहुत काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। प्यारे मियां की कश्मीर से गिरफ्तारी और उसके बाद ये पता लगता है कि प्यारे मियां बहुत ज्यादा विदेश की यात्रा किया करता था और अपने साथ कुछ मर्तबा बच्चियों को भी विदेश ले जाया करता था। ये सब क्या इशारा कर रहा है? देखिए, वही बात आ रही है कि भोपाल पुलिस जांच कर रही है, जांच में सारे विषय लिए हैं और अब केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनकी भी नज़र इस पूरे मामले पे, मध्य प्रदेश सरकार से पूछ परख शुरू हो चुकी है। एक तो इसका कश्मीर कनेक्शन क्या है, सबसे बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। कश्मीर वो फिर बोल बीच भी में बार बात बार आई थी, बीच में बात आई थी कि ये विदेश भाग सकता था, तो कश्मीर के रास्ते कौन सा विदेश आता है? कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान उसका जाना आना बहुत रहा है, तो ये दुबई आता जाता था। तो इसके कश्मीर कनेक्शन क्या है, इसने कई सारी ये कहता है मैं हर एक दो साल में कश्मीर जाता था, तो क्या कनेक्शन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका पूरा व्यक्तित्व जो है प्यारे मियां का बहुत संदिग्ध है, तो इनके क्या कनेक्शन है कश्मीर के, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, शेफाली जी, मैं आपको बताऊं, बच्चियों को विदेश ले जाना, आपने प्रश्न पूछा है, ये बड़ा खतरनाक है। मेरी कई सारे जो पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हुई तो ये जो है ह्यूमन ट्रैकिंग जिसको कहते हैं हम, मानव तस्करी का मामला, क्या ये छोटी बच्चियों को यूएई में ले जा के वहाँ इनका कोई कनेक्शन था, क्या छोटी बच्चियों को कहीं बेचा जाता था, छोटी बच्चियों का विदेश ले जाके मिसयूज किया जाता था, कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर जांच निष्पक्ष होगी तो अभी बहुत सारे धमाके प्यारे मियां को लेके होंगे और अभी फिलहाल जैसा रवैया लग रहा है
कि प्यारे मियाँ पुलिस की टोपी पहन के घूमते हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे एक पत्रकार साथी ने लिखा है, ये तो कुछ भी नहीं है, पुलिस इतनी भोपाल की निर्लज है, वो चाहे तो अपनी वर्दी भी पहना सकती है प्यारे मियाँ को। तो ये भोपाल पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है, और भोपाल पुलिस को अब चाहिए कि आप राजधानी की पुलिस से आप ऐसा कुछ करके दिखाएं प्यारे मियाँ जैसे इस आदमी के खिलाफ, कि ताकि लोग आपकी मिसाल दे सकें और कह सकें कि भोपाल पुलिस बहुत नेक ईमानदार है और वो किसी से के सामने कमजोर नहीं पड़ती झुकती। जब प्यारे मियाँ आया और उस टोपी उसके सर पर थी, तो कुछ वहां पर मौजूद फोटोग्राफर से भी बात हुई जो बता रहे हैं कि साफ तौर पर इस खबर को सबसे पहले जब सारे लोग मौजूद थे, इस खबर को जब हमने कल प्रसारित किया था, हमने जब ब्रेक किया तो हमारे कैमरामैन तो थे ही वहां पे, एक बहुत वरिष्ठ कैमरा पर्सन है मध्य प्रदेश के चर्चित, उनका नाम है संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता सबसे पहला वो शख्स था, उसने देखा और कहे प्यारे तो पुलिस की टोपी पहने हुए, तो उस आदमी को क्लिक किया और जब वो गाड़ी चलते चलते रुक रही थी उस समय उसने उसको पकड़ लिया था। बाद में तो टोपी निकाली पुलिस ने किया, लेकिन अंदर मस्ती में वो टोपी पहने हैं, इसको उजागर करने वाला व्यक्ति संजीव गुप्ता है। उसके बाद मीडिया के लोग अलर्ट हुए और ये पूरा खुलासा हुआ। और ऐसे हमारे कुछ अच्छे कैमरामैन होते हैं और उनकी जब फोटो खींचने का स्टाइल होता है उससे पुलिस समझ जाती है कि हम फंसने वाले। कैमरामैन नहीं, वो कई पत्रकारों से बड़े पत्रकार हैं, क्योंकि वो दो आंख का काम एक आंख से करते हैं, पकड़ते हैं उस चीज को। तो संजीव गुप्ता ने कल सबसे पहले पकड़ा, खबर क्या है वो उन्हीं की पकड़ में थी कि पुलिस की टोपी लगाए हुए एक अपराधी और बड़ी शान से आ रहा है। ये वाकई गंभीर विषय भी है और प्यारे मियाँ के मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत भी है, क्योंकि इस अपराधी के तमाम सफेदपोश साथी इसे बचाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ये सबूत को छेड़छाड़ भी कर सकते हैं सबूत के साथ। प्यारे मियाँ की काली कथा के बाद कुछ और खबरें भी राजनीति की हैं जो हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैसे कमजोर हो रही है कांग्रेस। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।